कहीं जा रहा बोल सुनना रे आलो आलो ए इसी कहीं जा रहा बोल सुनना हूं कौन ले मारो जाय मैं अपनी बोल सुनना आलो मजा में भाई कैसे हो हैं रुको रुको एक मिनट रुको बात आने वो पास वाली हेलो आप आज भी आओ आई बेस ऑपरे चाय पानी पिए हाँ मैं बेस्ट हूँ बड़ा पुलिस वाला नहीं खड़ा है आई भी आओ बापू आई भी आओ बापू आई भी आओ आई भी आओ लाजाने बोल सुनना बोल सुनना बस ने बोल सुनना बोल सुनना दोस्तों भाई की हालत बहुत ही गंभीर है और ये भावनगर त्रापज एरिया है यहाँ पे अलंग बिल्कुल नज़दीक है और कितना टाइम से यहाँ पे रहते हैं भाई 10-15 साल हो गए 10-15 अच्छा अच्छा और उसके परिवार में कोई परिवार में ना भाई भाभी माँ भाई ने भाभी तो पछी केम आवी हालत में रखड़े जे घरे जातो ज नथी घरे जता नथी गांव को सर पे चढ़ाया है दोस्तों गाली बहुत ही बोल रहे हैं और पिछले 10 साल से इसी रोड पे घूमते रहते हैं ए मोटा भाई हम हांबलो तो करे आलियो मावो आपो मावो आपो मावो आपो अरे मैं हमारा घर पर आयो भाई उबर 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 तमे जाने क्या बस बस उबर शांति दी उबर आयो भाई जो मैं वही करवाना है ओ ना सोड़ी यानी उबर बोल सुनना कहीं सोड़ी में जा रही कहीं जा रहा बोल सुनना रे आलो आलो ए इसी कहीं जा रहा बोल सुनना हूं कौन ले मारो जाय मां पुनी बोल सुनना जाय मां पुनी हूं कौन ले बोल सुनना बोल सुनना परिचय तुम काली परिचय तुम बोल सुनना बोल सुनना मैं नहीं छीन बोल सुनना मैं नहीं छीन बोल ले बताओ मैं तुम्हें आने कहीं जाऊं यूं भाई हूं मारो सो आलो 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 परसोत्तम भाई कौन छे पूछना दो है हूं परसोत्तम भाई कौन परसोत्तम भाई जीवा छे भोसड़ी ना अठडा रे मने कौन छे परसोत्तम भाई ना ना परसोत्तम भाई तुम आसले ओडाड़े तुम नो ओडाड़े नो ओडाड़े तुमने हाथ नो ओडाड़े कोई दी हां हूं असर हूं पूछ तुम्हारा नाम हूं छे पूछना जो हूं करे ना दुर्बा तो कहो सो बोल ना तुमने कोई ना हाथ ओडाड़े तुमने कोई ना हाथ ओडाड़े कोई नहीं करे आवी जाओ लो मैं नो फोन उतरा बोल आवी जाओ मैं ने छिनू तोले बोल ना 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 बोल ना अरे तुमने कोई ना हाथ ओडाड़े કેટલા વર્ષ થી ઘૂમતા હતા ઘણા વર્ષ થી નાનપણ થી બરોબર માગી માગી ને હમણાં તું હોટલ દુકાન બધા ખબર આવે પાન માવાના બરોબર ચાલો કઈ વાંધો નહીં અહીંયા નજીક જ આશ્રમ છે અમારું આવા કોઈ વ્યક્તિ હોય તો થોડોક ટાઈમ કાઢીને ચલે દોસ્તો અભી હમ ભાવનગર ત્રાપજ મેં યહાં પે પૂરે ગાંવ કે સભી લોગ ઇકઠ્ઠા હો ચુકે ભાઈ પિછલે 10 સાલ સે મહારાજ હે બ્રાહ્મણ હે વો ઓર બહોત બુરી હાલત હે કાફી દિન સે નાયે નહીં હે બહોત બુરી કન્ડિશન કે સાથ ઘૂમ રહે ઇસ બારિશ કે મોસમ મેં ભી કહીં પે ભી વો સો જાતે ચલે ઇન્સાનિયત કે નાતે થોડા બદલાવ લાતે ઉસકે દિમાગી હાલત થોડી કમજોર હે પણ દવાઈ કરેંગે અચ્છે સે ઇલાજ હોગા તો સબ કુછ સહી હો જાયેગા ચાલો બધા આવજો અને આવા વ્યક્તિઓ માટે મદદરૂપ બનજો અને બધા આવજો થેન્ક યુ આવજો આશ્રમે બધા મારું કાર્ડ આપી દઉં છું અને આવજો બધા इधर इधर आओ इधर आओ आपने तो यार बहुत गाली दी मुझे पानी की बोतल ले लो हैं दोस्तों आप देखे यहाँ पे पूरे दिन में मतलब हम इतना तमाकू खाते हैं यहाँ हमारे गुजराती में कहे मावा खाई छे कि जमनी वाह जो है चोखा है जो वाह है खबर पड़े तमने हम तुम्हारू मोडू जो कटला मावा खाओ छो आखा दिन कटला खाई जाओ है महाराज कटला मावा कटला खाई जाओ बहुत परेशान किया दोस्तों आपने आगे वीडियो देखा कि पूरी गाली गलौज के साथ मतलब हर वक्त ऐसा ही होता है बट कभी कभार हम नहीं दिखाते आपको सब कुछ बट आज हमने कोशिश की है हमने
कि आपको सब कुछ दिखाए, कितनी गाली सहन करनी पड़ती है, पत्थर भी लगते हैं हमें, मार भी खानी पड़ती है, पर उसकी ज़िंदगी बदल रही है। आप देखिए कि कितने दिनों से वो नहाए नहीं और इतनी तम्बाकू खाते हैं। अभी बता रहे थे मुझे कि हर दिन के 150 से 200 मावा खा जाते हैं, क्योंकि रास्ते पे पूरे दिन घूमने के कारण कोई रोटी सब्जी तो भाग्य से कभी मिलती होगी, पर मावा खा के कोई कुछ ना कुछ दे जाता है, पान मावा, तम्बाकू, बीड़ी, तो उससे ही पेट अपना भरते हैं। और चले कोई बात नहीं, हालात बदलेगी यहाँ पे और उसके इलाज भी होगा। और पीछे आप देखिए बहुत अच्छे से हमारा जो सोशल मीडिया आश्रम जो बन रहा है, तो उसका भी आपका साथ और सपोर्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है। चलिए आ जाइए भगवान, अभी मस्त फ्रेश हो जाते हैं ना। अरे थोड़ा हल्का हल्का कर देते हैं, माओ माओ पची खाइए ना, माओ पची खाइए, पची पची मस्त जो भी है ना, हल्को थी जैसे पची आप खाइए। अरे कहीं ना था, नज़दीक से देखिए दोस्तों कि बालों की हालत उतनी ख़राब है कि मशीन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है और पास पे भी नहीं खड़ा रह पाता हूँ, क्योंकि मुझे तम्बाकू से एलर्जी है पर्सनली। और आज ऐसे भगवान के हालात सुधारने का जो मौका मिला है, बट चले कोई बात नहीं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अभी मस्त हो जाएंगे तैयार, फिर खाना वाना खा लेते हैं, है ना, खाऊ से ना माओ ना हो, थोड़ूक रोटी खवाए, रोटली खवाए, रोटली खवाए, निकलो माओ माओ करसो तो मरी जसो, कैंसर थी जाए, कैंसर थी जाए महाराज। गुजरात से बाहर के लोग देखते होंगे उसको मावा में समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ की वो क्या बोलते हैं, एक व्यसन के लिए तम्बाकू है जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे खाते हैं अपना संतोष, माइंड का संतुलन रखने के लिए। बट वो सब मुझे लग रहा है बकवास है, क्योंकि शरीर का संतुलन, ये जो व्यसन होता है, ये लोगों में बदलाव लाने का भी एक व्यसन होना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर। हर कोई व्यक्ति व्यसन करता है, तम्बाकू, पान, मावा, बीड़ी, सिगरेट, दारू भी पीते हैं काफ़ी लोग, और घर परिवार में भी काफ़ी प्रॉब्लम में भी क्रिएट करते हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि व्यसन ही जो आपको करना है, कि दुनिया में काफ़ी ऐसे व्यसन होते हैं जो दूसरे के लाभदायी होते हैं, अपने लाभदायी होते हैं, तो ऐसा भी एक व्यसन करिए कि जिसके किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी हम कर रहे हैं, तो ये भी मेरा व्यसन है, हमारी पूरी टीम का व्यसन है, कि जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल रही है। पची पची मावो पची खाइए ना आपड़े, चलो नाई ले पची मावो खाई, पची 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 चले 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 मावो खाते हैं, चलो खड़ो जाओ, चलो हाँ हाँ नाई ले पची मची। अब ये रख दो यहाँ पे कचरा, अरे मुकी दो, यहाँ मुकी दो, मुकी दो, नव ऑफिस, नव नव ऑफिस, नव ऑफिस आई जाओ आप। अब ये जो प्लास्टर काम हो रहा है ना, उसमें भी ये काम लगेगा हमें, ये लो खोल रखो, रब तो है ना, खोल दो आप बुटान, खोल दो, चप्पल की हालत देखिए, दोस्तों आप देखिए कि व्यक्ति को सिर्फ जो सुविधा भी मिल जाए, आप देखिए आप लगाओ हाबू लगाओ साबू लगाओ, हर कोई व्यक्ति बदलना जरूर चाहता होता है, बट उसके पास सुविधा नहीं रहती है, तभी वो व्यक्ति रोड पे ऐसे पागलों की तरह घूमता है। आप देखिए हमारे महाराज कितने साफ सुथरे रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे व्यक्ति के पास जाने से डरते हैं। चले कोई बात नहीं, अभी मस्त हो जाएंगे, सब कोई अपना काम सब कुछ कर सकते हैं, मस्त आदमी है। गाली तो हमें खामखा ऐसे ही दे रहे थे और हमें तो आदत हो गई है गाली खाने की, तो लो पैंट पहन लो बस। क्या मस्त लागो छो, जो तुम हीरो लागो यार, तभी तो है, आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ, चप्पल फेंक दियो नवा आपू ना फेंक दो, नवा नवा ब्रांडेड आई जा, हैं सू क्यों छो, सू क्यों छो, सू बोलो छो, મારી મમ્મી હોય ને મારા બપ્પા હોય, મારી બા એકલા, એવું જયું સાયા કરશે, મને સાથે મમ્મી એકલા છે,
અને પપ્પા મરી ગયા નાગણી કવડી નાગણી કવડી ને મરી ગયા બરોબર કઈ નહીં ચાલો આ બાજુ આવી જાઓ અહીં આવો બેઠો ઇધર બેઠો બસ તમારા ભાઈ શું કરે છે બોતન કરવા બોતન હે મહારાજ તમારા ભાઈ શું કરે જમી લેવું થોડુંક ભૂખ લાગી છે માવો નહી માવો નહી જો મુકેશભાઈ તમારો મોઢા નહીં કે દાંત નથી દેખાતા મને દોસ્તો તમે નજીકથી આવીને જોવો ખાસ કરીને જેટલા પણ મારા ગુજરાતી ભાઈઓ જોવે છે પ્લીઝ તમે વ્યસન કરવું હોય તો કોઈ સારી આદતોનું કરો કે જેના થકી તમે જીવનમાં કંઈક બહેતર વસ્તુ તમારું શરીરને પણ ધ્યાન રાખી શકો અહીં કરો તો અહીં ઈ કરો દાંત બતા દાંત 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 ઈ આમ કરો ને મારા ઈ દાંત કાઢો નજીક સુધી દાંત કાઢો દાંત કાઢો ઈ કરો ઈ તો તમે જોયું તે પ્રમાણે કે કંઈક સારું વ્યસન કરવું જોઈએ કે જેના થકી કોકનું ભલું થઈ શકે બાકી તો મારા જ અત્યારે અમારા સોશિયલ મીડિયા આશ્રમમાં જ કોઈ પણ એના પરિવારજન જોવે છે તો પ્લીઝ અમને કોન્ટેક્ટ કરો કે કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ લાગણી હર કોઈ વ્યક્તિ બદલવા જરૂર માગે છે તમે જોયું તે પ્રમાણે કે ત્યાં કેટલી ગાળો દેતા હતા બેસતા નહોતા મારતા હતા અમને પણ અહીંયા હિબડા હતા અત્યારે જુઓ તમે એક મોઢામાંથી આવ્યા પગ મૂક્યા પછી ગાળ નથી નીકળી બસ આ જ મોટું પરિવર્તન છે અને એના જીવનમાં સંતોષ એને આવી ગયો છે કે નહીં અહીંયા કંઈક સારું થશે અને બાકી તો અત્યારે આ સોશિયલ મીડિયા આશ્રમની જે અત્યારે પ્લાસ્ટરનું કામ ચાલુ છે પછી પહેલી બાજુ જે અત્યારે બિલ્ડિંગનું કામ ચાલુ છે તો એમાં પણ તમારા સાથ અને સપોર્ટની જરૂર છે સપોર્ટ આપતા રહેજો દોસ્તો કે જેના થકી આપણા એવડા મોટા પ્રોજેક્ટને આપણે પૂરો કરી શકીએ તો દોસ્તો ફિરસે મિલેંગે એક નયા એપિસોડ કે સાથ તબ તક આપ અપના ખ્યાલ રખીએ સોશિયલ મીડિયા કે માધ્યમ સે કુછ બહેતર કરને કી કોશિશ કર રહે ઓર સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ જો બન રહા હૈ તો આજ આપકે સાથ ઓર સપોર્ટ કી જરૂરત હૈ તો સપોર્ટ દીજે મહારાજ અબ થોડા ખાના ખા લેતે ઉસકે બાદ માવા ખાયેંગે જો ભૂખ ઓર રહેગી તો હે ને આ જાઓ ચલો રસોડે મેં આ જાઓ ઇધર આ જાઓ નહીં નહીં ખુરશી નહીં બેહો અંદર આપણે મસ્ત છે ને જમી લઈએ ઇકબાલ કાકા આ ભગવાનને ખવડાવી દો ને ત્યાં બેસાડી દો ને અહીંયા ધૂળ ઉઠશે ત્યાં બેસાડી દો બસ